हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आज आपके साथ मेरा बिजी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, आप सभी को पता है कि मेरी दिन की जो शुरुआत है वो लुक वॉर्म वाटर से होती है। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया है, वो ले लूँगी और उसके बाद मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी। गुनगुना पानी लेने के बाद मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ अपना। एक्चुअली जो गुनगुना पानी है मैं ब्रश करने से पहले लेती हूँ। अगर आप ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी लेते हो तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर रही हूँ फेस वॉश। एक्चुअली रात से इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है कि आपको क्या ही बताऊँ। अभी थोड़ी सी कम हुई है बट बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है, पूरी रात भर बारिश हुई है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरा जिम ही जाना नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही वर्कआउट कर लेती हूँ। जिम अगर नहीं जाना होता है तो घर पे ही थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ। जब कुछ दिन मम्मी के यहाँ पे गई थी तो उस टाइम गैप हो गया था, तो उस टाइम भी मैं घर पे वर्कआउट कर रही थी। जो भी मुझे आता है वो कर लेती हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, फिर भी जो आता है वो घर पे कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं लेती हूँ प्रोटीन। तो यहाँ पर मैं प्रोटीन ले रही हूँ। एक्चुअली प्रोटीन मैं वर्कआउट के बाद लेती हूँ, वर्कआउट के बाद आती हूँ घर पे और प्रोटीन लेती हूँ। अगर वर्कआउट करने बाहर नहीं जा पाई, जिम में नहीं जा पाई, तो भी मैं घर पे अगर वर्कआउट करती हूँ तो भी प्रोटीन लेती हूँ। प्रोटीन लेना नहीं भूलती हूँ मैं। प्रोटीन ये हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बहुत सारे आपके ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, जैसे कि स्किन, बोन्स, मसल्स, इन सारी चीज़ों में आपको प्रोटीन मिलेगा। और आपको पता है आपके हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड, ये सारे प्रोटीन की वजह से ही अच्छे से काम करते हैं। आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी होती है ना, आपको बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वेट गेन, शुगर क्रेविंग, वीकनेस, लो एनर्जी और बैड मेटाबॉलिज्म, इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा आपको ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं जिससे आपका वेट गेन हो सकता है, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह के इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। और आपकी स्किन और हेयर की भी क्वालिटी डैमेज होती है अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है। तो लोगों में एक मिसकंसेप्शन पाया गया है, जो जिम जाते हैं वही प्रोटीन लेते हैं, बट ऐसा नहीं है गाइस। जो जिम नहीं जाते हैं, जो घर पर रहते हैं, वो भी प्रोटीन ले सकते हैं। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी को प्रोटीन लेना चाहिए। आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको 1 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। जैसे कि मान लो अभी आपका वेट है 55 kg, तो आपको 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ये जो रेशो मैंने आपको बताया 1 kg वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन, बट आप अगर वर्कआउट करते हो, मतलब आप जिम जाते हो या आप घर पे भी बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए प्रोटीन। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है थोड़ी सी, और आप अगर घर पे रहते हो तो थोड़ी सी कम होती है। मतलब आपके वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आज मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बताने वाली हूँ गाइज, जो आपके प्रोटीन कंज्यूम करने से रिलेटेड सारी चिंता को दूर कर देगा। ये है गाइज प्लिक्स ओलेना वुमन्स प्रोटीन, जो स्पेशली वुमन के लिए बनाया गया है। इसमें है 0 ग्राम शुगर, 20 ग्राम प्रोटीन और 22 ग्राम मल्टीविटामिन्स। इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स भी है, जैसे कि शतावरी एंड फेनुग्रीक। ये आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस भी बनाए रखते हैं। इसमें विटामिन ए, D3, B12, B6, जिंक, फॉलिक एसिड और जो नाम लो वो सारे विटामिन इसमें है। आपको पता है गार्निसिया एंड किनोवा, ये आपके वेट गेन को कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है। इसमें बायोटीन, विटामिन सी और आयरन भी है, जो आपके नेल्स को, आपके हेयर को हेल्दी रखता है। इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि ब्लूबेरी, रसबेरी, ग्रेप्स सीड्स, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डिसीज को फाइट करने में बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ये जो फ्लिक्स ओलेना वुमन्स प्रोटीन है, वो आपको एकदम क्लीन प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, विदाउट एडेड शुगर, नो एमजीओ, नो सोय, नो ग्लूटेन, यानी कि 100% वीगन है ये प्रोडक्ट। और ये काफी इजी टू कंज्यूम भी है। आपको इसे कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आपको 1 ग्लास यानी कि 250 ml पानी लेना है आपके शेकर में, और इसका 1 स्कूप डाल देना है उस पानी में, और बस इसे अच्छे से शेक करना है और आपका जो प्रोटीन है वो रेडी हो जाएगा पीने के लिए। और इसे आपको दिन में 2 बार लेना है, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक वर्कआउट के बाद। और इसे रोज लेने से आपको काफी जल्दी इसके रिजल्ट दिखाई देंगे।
ये प्रोटीन मैं 3 महीने से डेली कंज्यूम कर रही हूँ और इसके अपने स्किन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं ये फ्लिक्स ओलेना वुमन्स प्रोटीन हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आप इसे 90 डेज के लिए ट्राई करते हो तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे आपके स्किन में, आपकी बॉडी में, आपके वेट लॉस में, और ये आपके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। और अगर आपको इसे परचेस करना है तो मेरा कूपन कोड यूज करना, कांचन 30। इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा फ्लिक्स की वेबसाइट पे, और उसके साथ आपको आगे के सारे ऑर्डर्स पर फ्री कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी मिलेगा। ये कितनी अच्छी बात है ना, मतलब आपको डाइटिशियन भी हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि क्या खाए क्या नहीं, आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट प्लान भी वो देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको परचेस करना है तो ये जरूर परचेस करिए, मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी आपको। और मेरा कूपन कोड साथ में यूज करना मत भूलिएगा, उससे आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। प्रोटीन लेने के बाद यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ। एक्चुअली दूध वाली आंटी आ गई थी तो उनसे मैंने दूध लिया और उसके बाद यहाँ पर गर्म कर रही हूँ। गर्म करने के बाद इनके लिए चाय रखूँगी, और बच्चे अभी तक उठे नहीं है। दोनों की भी जब ऑनलाइन क्लास होती है उससे 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं और तब ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। एक्चुअली इन्होंने ये न्यू प्लांट्स लाया है तो वो आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये जो प्लांट्स है मुझे कब से चाहिए थे और इनको बोल के रखा था तो इन्होंने ये लेके आया है। तो यहाँ पर ये वाला छोटू सा प्लांट है, उसके बाद ये वाला तो मुझे कब से चाहिए था, मैंने इनको बोल के रखा था और इनको भी चाहिए था, तो इस वजह से ये सुंदर सुंदर प्लांट्स लाए हैं इन्होंने। और ये यहाँ पर ये वाला न्यू लाया है। एक्चुअली यही वाला हमारे पास पहले भी था बट वो जल गया था, हम लोग उधर गए थे ना मम्मी के यहाँ पे तो वो जल गया था, तो इसी वजह से ये दूसरा लाया है उन्होंने। तो ये सारे प्लांट्स उन्होंने कहाँ पर रखे हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बस नहा धो के आ गई हूँ मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए, और खाने में आज क्या बनने वाला है आप समझ ही गए होंगे, बैगन का भरता बनने वाला है आज खाने में। तो ये जो बड़ा सा बैगन है उसको मैंने ऑयल लगा के भून लिया है। ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि बैगन के जो छिलके होते हैं वो जल्दी निकलते हैं ऑयल लगाने के बाद भूनने से। बस यहाँ पर बैगन के छिलके उतार लूँगी और उसके बाद बैगन का भरता बनाऊँगी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं भरता कैसे बनाती हूँ बैगन का। तो यहाँ पर बस छिलके निकालूँगी, गर्म था तो इसी वजह से मैंने चाकू की हेल्प ली छिलके निकालने के लिए। ये बैगन इतना बड़ा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसे भूनने में और उसके बाद यहाँ पर छिलके निकालने में भी। देखिए ये वाला खाली था तो इसमें रख दिए इन्होंने प्लांट्स ये पूरे लगा के। यहाँ पर ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद यहाँ पर ये है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना इसमें। ये वाली साइकिल खाली ही थी तो इसमें रख दिए, अभी के यहाँ पर रखा है मैंने लिविंग रूम में। बट ये गैलरी के लिए मंगाया था मैंने ये वाला स्टैंड, तो इसी वजह से जब गैलरी डेकोरेट होगी, मतलब जैसे कि ग्रीन कारपेट और वो सब कुछ रखेगी ना, तब जाके गैलरी में जाएगा ये स्टैंड। बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ पर भी बहुत सुंदर लग रहा है बट ये गैलरी में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली यहाँ पर मैं कल के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, कल के जो कपड़े मैंने वॉश करके सुखाने के लिए डाले थे ना वो अभी तक सूखे नहीं थे। फाइनली हमें क्या करना पड़ा, फ़ैन लगा के वो स्टैंड फ़ैन के नीचे रखना पड़ा तब जाके ये सूखे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि उसकी वजह से कपड़े सूखना मुश्किल ही था और बाहर डाल नहीं सकते थे सुखाने के लिए, तो इसी वजह से अंदर ही हमें फ़ैन में ये सुखाने पड़े। तो अभी जाके ये फोल्ड कर रही हूँ, और अद्विक भी यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा है फोल्ड करने में, उससे ना थोड़ी सी चढ़ा देती हूँ ना मैं, अद्विक आप बहुत अच्छा करते हो ये वो, तो परेशान नहीं करता है और ऐसे ही कामों में थोड़ी सी हेल्प कर देता है, मतलब हेल्प नहीं होती है फिर भी थोड़ा सा बिजी रहता है कामों में। मुझे लगता है सभी बच्चों का वैसे ही होगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा चढ़ा देते हैं ना तो वो जल्दी चढ़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं माही को भी ऐसे ही करती थी बचपन में, अभी अद्विक को भी वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर अद्विक थोड़ा सा बिजी रहता है फिर वो थोड़ा सा परेशान कम करता है, तो इसी वजह से ऐसे बिजी कर देती हूँ उसे। बस यहाँ पर कपड़े फोल्ड हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने लग गई हूँ बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया है कढ़ाई में, उसके बाद मैंने जीरा राई ऐड की है, और वो चटकने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज ऐड किया है, प्याज को अच्छे से होने दिया है, उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसे भी अच्छे से होने दूंगी। जब इसकी कच्ची स्मेल चली जाए, ये अच्छा सा हो जाए लहसुन अदरक का पेस्ट,
उसके बाद मैं उसमें मसाला ऐड करूँगी, जो भी बेसिक से मसाले होते हैं वही ऐड कर दूँगी, मतलब जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सारा ऐड कर देने के बाद मैं टोमेटो ऐड करूँगी और टोमेटो को गलने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसे चला लूँगी, थोड़ी देर ढक्कन रख के भी पका लूँगी और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा ये गल जाएगा, देखो आप टोमेटो कितना ज़्यादा अच्छे से गल गया है। उसके बाद उसमें जो स्मैश किया हुआ बैगन है वो डाल दूंगी और अच्छे से स्मैश कर लूंगी और थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख के स्टीम ले लूंगी। तो यहाँ पर रेडी है हमारा बैगन का भरता। गाइस, कल रात से बारिश हो रही थी और अब जाके बारिश रुकी है और हाँ, मेरे सारे काम भी हो गए हैं। तो चलिए फिर, मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। मिलती हूँ गाइस अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। सुबह के सारे काम खत्म हो गए हैं, अभी थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद ये आएंगे तो खाना खाएंगे हम लोग। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।